हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली हूँ। काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि ये टाइम हो ही नहीं पाता है। पास में ही एक मेला लगा था, शरद मेला, तो सोचा आज वहाँ चलते हैं। कोनी में चले हैं वहाँ पे, तो चलिए आपको दिखाती हूँ वहाँ पर क्या क्या स्पेशल है। तो जी, हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और हम आपको दिखाते भी हैं क्या क्या है यहाँ पे यूनिक यूनिक सी चीज़ें। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे, वहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे। थोड़ी देर यहाँ पे रुके, फिर बड़े आगे स्टॉल्स लगे थे छोटे छोटे। सबसे पहले हमें दिखे पहाड़ी ककड़ी, मेरा तो मुंह में पानी आ गया। फिर कुछ साड़ी के स्टॉल, कॉटन की साड़ीज़ यहाँ पर थी, और क्योंकि दिवाली पास में है तो ये सब चीज़ें देखने बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ होम डेकोरेशन की चीज़ें थी अलग अलग सी, बहुत प्यारी प्यारी सी, बहुत सुंदर लग रही थी। ज़्यादा ब्लॉग तो मैं कर नहीं पाई, बस वहाँ पे जो स्टॉल्स लगे थे, जो शॉप वगैरह थी, तो उसके मैंने कुछ विजुअल बनाए, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी डेकोरेशन की, तो मैं बहुत देर तक खड़ी होकर यहाँ पे देखती रही। मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, होम डेकोरेशन वगैरह का, तो चलिए आप भी देख लीजिए। मन तो कर नहीं रहा था यहाँ से जाने का, पर चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। अलग अलग स्टेट से आए हुए लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए थे। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बहुत यूनिक यूनिक सी। मैंने कवर तो करी हैं जितना मैं कर पाई हूँ आप लोग को दिखाने की, मैंने पूरी कोशिश करी है। बहुत सुंदर सुंदर बैग्स देखिए यहाँ पे, कितने प्यारे बैग्स थे, बहुत प्यारे लगे मुझे। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, पिछौड़े में, और मैं खुद को रोक नहीं पाई लेते हुए, मैंने एक उठा ही लिया। फिर भी आप बताना कि मैंने कौन सा लिया होगा, गैस करके बताना कि मैंने कौन सा पिछौड़ा लिया होगा इन सब में। बहुत प्यारे लगते हैं ना ये कलर, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। इसके लिए और इसके ऐसे भी डाल सकते हैं, 12:30 का है मैम। दिवाली के लिए अच्छा सुंदर लगता है ना। तो चलिए, पिछौड़ा मैंने ले लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रॉकरीज वगैरह देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कप रखे थे, उनमें से मुझे एक बहुत प्यारा लगा, जो कि ये रहा। ऐसे ही आप भी स्माइल करते रहिए। देखिए बहुत सुंदर सा कप था, बहुत प्यारा लग रहा है ना ये। उसके बाद हम आगे बढ़े, मुझे दिखा एक भेलपूरी का स्टॉल, और मैं खुद को रोक नहीं पाई खाने से, मुझे बहुत पसंद है भेलपूरी, तो मैंने खाई फटाफट एक भेलपूरी। मेले में आए और झूला ना दिखा तो फील नहीं आता मेले वाला। यहाँ पर एक झूला लगा था जिसमें बच्चे झूल रहे थे। उसके बाद आगे बढ़ने पे बॉम्बो प्लांट से बनी हुई कुछ प्लेट्स वगैरह और टोकरी वगैरह हमें दिखी, जो कि यहाँ पे बैठे बैठे ये लोग काम कर रहे थे, और स्टॉल्स भी इन्होंने लगाए थे, मतलब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद इनसे कुछ बातें हुई कि कैसे ये अपने काम को प्रमोट करते हैं, तो इन्होंने बताया कि अभी तक इन्होंने कहीं पे भी अकाउंट वगैरह नहीं बना रखा है। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट किया कीजिए। देखिए इस तरीके की ज्वेलरीज वगैरह भी इन्होंने बनाई थी, इयर रिंग्स, नेकलेस वगैरह, बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने डिज़ाइन बना के रखे थे इस तरीके से, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इसमें से एक दो ले ली, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। हालांकि मैं पहनती बहुत कम हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत कलेक्शन है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर इनके पास चीज़ें थी। उसके बाद ये जो स्टॉल लगा था, इसमें सारी जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, सब कुछ पेपर पे बनी हुई हैं। इन्होंने पेपर पे डिज़ाइन करके देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई थी, सारी होम डेकोर की थी। ये लाइट वगैरह बहुत यूनिक सा मुझे लगा, मैंने आज से पहले अगर देखा भी होगा कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे दिखा ये क्यूट सा बॉक्स, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने इसे खोल के देखा, मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया। बहुत सुंदर है ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, या फिर छोटी छोटी कुछ चीज़ें इसमें आप रख सकते हो। बहुत प्यारा सा लग रहा था, बहुत क्यूट सा, किसी भी कॉर्नर पर रख दो अच्छा लगेगा, मैंने ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ और आइटम थे जो कि पूरे लकड़ी के बने हुए थे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा, बहुत क्यूट सा लग रहा था।
फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग मेले का एक्सपीरियंस लेके अब हम चले घर को। ये रही दीदी और ये रही कोरी पाठक। लेट्स गो।